RTMS, रिपीटेटिव ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिम्युलेशन, ये जो ट्रीटमेंट है इसके बारे में मैं आज आपसे बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। कुछ पेशेंट हमारे ऐसे आते हैं कि उनको मेडिसिन से फायदा होता नहीं है, स्पेशली डिप्रेशन के पेशेंट्स, एंग्जाइटी है, फोबिया है, या कुछ सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर मतलब बॉडीली सिम्टम्स है, पेन है, ऐसे कुछ जो पेशेंट्स हैं उनको रिपीटेटिव ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिम्युलेशन, ट्रांसक्रेनियल मतलब बिटवीन द ब्रेन, मैग्नेटिक स्टिम्युलेशन, मैग्नेट का स्टिम्युलेशन, मैग्नेटिक वेव्स पास करना ब्रेन में, और वो रिपीटेटिवली मतलब बार बार पास करना, इसके लिए काम में आता है ये मशीन। और मतलब वो मैग्नेटिक स्टिम्युलेशन पास करके ब्रेन को एक मैग्नेटिक स्टिम्युलेट करके उसका इलाज हो जाता है, स्पेशली डिप्रेशन में ये काम में आता है। तो ये देखिए, हमने ये पेशेंट को लगाया हुआ है मशीन, और इसको ये ऐसा मशीन लगा के उसको बिठा के रखते हैं। 15 से 20 मिनट तक एक सेशन होता है, और ये सेशन में पेशेंट को बहुत ही अच्छा लगता है, ब्रेन स्टिम्युलेट हो जाता है, और 15-20 मिनट के बाद में उसको हम उठाते रहते हैं और उसको ऐसे ट्रीटमेंट मतलब ऐसे सेशंस देते रहते हैं। यूजुअली मैं ऑल्टरनेट सेशन देते रहता हूँ, ऑल्टरनेट डे 10 से 12 सेशन 10 से 15 सेशंस देने में बहुत पेशेंट को फायदा होता है। पार्किंसनिज्म में इसका उपयोग होता है ऐसा कहा जाता है, कुछ केस स्टडीज है। फिर ऐसे अलग अलग तरह के जो मेंटल इलनेस है, मेंटल प्रॉब्लम्स है, तो उसमें भी ये RTMS का उपयोग किया जाता है। तो ये हमारे लिए इतना ही है कि ये डिप्रेशन में स्पेशली मैं वापरता हूँ, डिप्रेशन के पेशेंट में, तो इसका इलाज आप जरूर कर सकते हैं। यदि मेडिसिन से, बेयर थेरेपी से, या साइकोथेरेपी, सम्मोहन उपचार इससे फायदा नहीं हो रहा है, तो RTMS से भी काफ़ी फायदा होता है। ये इलेक्ट्रिक शॉक नहीं है, यह करंट नहीं है। लोग इसे डरते कि नहीं हमको आप इलेक्ट्रिक शॉक देने वाले, कि नहीं इलेक्ट्रिक शॉक नहीं है, ये मैग्नेटिक स्टिम्युलेशन है, और ये ट्रांसक्रेनियल दिया जाता है मतलब बिटवीन द ब्रेन मतलब दिस एंड से दिस एंड तक ये एंड से ये एंड तक दिया जाता है, और रिपीटेटिव है, तो इसका इस्तेमाल करके लोगों को फायदा हो सकता है। आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।